फ्रेंड्स, मैं ललिता सैनी नवे रसोई में आपका स्वागत करती हूँ एकदम न्यू रेसिपी के साथ में। आज बनाएंगे ढाबा स्टाइल में पालक मटर की सब्जी। और एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाने का आपका मन करेगा। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं ली हूँ पालक, पाव भर पालक ली हूँ और अच्छा पालक ली हूँ और धो के तैयार कर ली हूँ मैं। देखिए आप, बिल्कुल कच्चा कच्चा पालक ली हूँ मैं और धो के तैयार कर ली हूँ। अब इसे कट कर लेती हूँ बारीक साइज में। कई जने इसे उबालते भी हैं और कई जने इसे बारीक कट भी कर लेते हैं, तो मैं भी बारीक कट कर रही हूँ, उबाल नहीं रही हूँ। उबाल के भी बना सकते हो, बारीक कट करके भी बना सकते हो, आपका जैसे मन करे वैसे बना सकते हो, लेकिन मैं तो कट करके बनाऊंगी बारीक साइज में। उबालेंगे जब इसके अंदर आयरन की मात्रा होती है वो कम हो जाएगी उबालने के अंदर, इसलिए मैं उबाल नहीं रही, इसको मैं कट ही कर रही हूँ, डायरेक्ट ही बनाऊंगी। ये आयरन से भरपूर है और विटामिन से भरपूर है और ये बहुत टेस्टी और लाजवाब सब्जी बन के तैयार होती है इनकी। लीजिए, मैं कट करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं ले लेती हूँ टमाटर, प्याज और सभी चीज़ें। लहसुन ली हूँ मैं, टमाटर ली हूँ, हरी मिर्च ली हूँ, प्याज ली हूँ, अदरक ले ली हूँ, मटर ले ली हूँ, मैं पाव भर मटर ली हूँ, पाव भर पालक ली हूँ। देखिए सभी को कट करके मैं तैयार कर ली हूँ। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा के और ऑयल गरम कर लूँगी। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वही ऑयल आप ले सकते हो। मैं सरसों के ऑयल में बनाऊंगी सब्जी। तेल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ राई और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ आधी चम्मच जीरा। और जीरा और राई को पकने के बाद में डाल देती हूँ मोटी साइज में कुटा हुआ लहसुन। और लहसुन को अच्छी तरह से पका लूंगी ब्राउन कलर होने तक। फिर मैं इसके अंदर डाल दे बारीक कटा हुआ प्याज, जो मैं छोटे छोटे दो प्याज को कट की थी बारीक साइज में, वो मैं ले ली हूँ। अब प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज को फ्राई करने के बाद में फिर डालेंगे इसके अंदर, मैं आपको एक हलवा स्टाइल में ट्रिक बता रही हूँ, इसके अंदर एक चम्मच बेसन डाल दीजिए। इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब पालक मटर की सब्जी बन के तैयार होगी। अब मैं बेसन को अच्छी तरह से पका लूँगी। देखिए बेसन के अंदर बुलबुले आने लग गए, बेसन को ज़्यादा नहीं पकाना है वैसे तो। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हरी मिर्च कटी हुई, एक हरी मिर्च कटी हुई मैं इसके अंदर डाल दी हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और अच्छी तरह से पका लूँगी। तो मिर्च, प्याज और बेसन पक गया। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल देती हूँ। अब टमाटर को भी मिक्स करके और पका लूँगी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और पका लूँगी मैं। अब सभी चीज़ें पक के तैयार हो गई, मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ मटर, जो मैं एक कटोरी मटर ली थी पाव भर, वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पकाना है, मटर को भी अच्छी तरह से पकाना है। एकदम रेस्टोरेंट, होटल व ढाबा स्टाइल में आपको मटर पालक की सब्जी बनाना बताऊंगी। मैं डाल रही हूँ एक चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि मटर भी इसके अंदर पकेंगे इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखी वाली। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और फिर इसे अच्छी तरह से पकने दूंगी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और खुशबू के साथ साथ सब्जी भी टेस्टी बनेगी। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पालक, जो मैं बारीक काट के रखी थी वो मैं पालक इसके अंदर डाल दी हूँ।
अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इसको। अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब मैं इसे ढक के और पकने देती हूँ। थोड़ी देर के बाद में मैं चेक करके देखती हूँ मटर पनीर की सब्जी, पालक मटर की सब्जी बनके तैयार हुई नहीं हुई। तो लीजिए, अभी तक तो पालक मटर की सब्जी बनके तैयार नहीं हुई, पालक अभी सॉफ्ट हो गया, मैं मटर भी सॉफ्ट हो गए। इसे हल्के हल्के हाथ से दबा के और मिक्स करना है। मैं मटर को चेक करके देखती हूँ, तो मटर अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया। देखिए, अब मैं अंगूठे नाखून की सहायता से आपको कट करके भी दिखाती हूँ, मटर आसानी से कट रहा है। तो सब्जी बनके तैयार हो गई मटर पालक की। ये इतनी अच्छी सब्जी है, बच्चे बड़े सभी खाइए, सभी के लिए गुणकारी है, गुणों से भरपूर है। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ और बाउल के अंदर ऐड कर देती हूँ सब्जी को। बनके तैयार हो गई। अब मैं इस सब्जी के लिए तड़का तैयार कर लेती हूँ। मैं ले रही हूँ 1 चम्मच घी। आप ऑयल भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही ले सकते हो। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 लाल मिर्च साबुत, और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच लहसुन। लहसुन का बहुत टेस्ट आएगा ऊपर से। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके और तड़का लगाएंगे पालक मटर की सब्जी के ऊपर। जो रेस्टोरेंट होटल में बनाते हैं उसी स्टाइल में आपको मैं बनाना बता रही हूँ। एकदम टेस्टी, एकदम लाजवाब पालक मटर की सब्जी। खाने वाले वाह वाह करने लग जाएंगे, आपकी तारीफ पे तारीफ करने लग जाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट करने लग जाएंगे। अब मैं तड़का तैयार की हूँ, वो पालक मटर की सब्जी के ऊपर डाल देती हूँ। तो लीजिए, पालक मटर की सब्जी बन के तैयार हो गई एकदम ढाबा स्टाइल में। ये आयरन विटामिन से भरपूर है, बड़े बच्चे खाइए चाव से और भर भर के आयरन विटामिन लीजिए। वाव, कितनी टेस्टी, कितनी लाजवाब पालक मटर की सब्जी बन के तैयार हो गई। नवे रसोई के अंदर आपको पालक मटर की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाना, मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में। जय हिंद।